दोस्तों आपने एरोप्लेन में इस्तेमाल होने वाले इस तरह के प्रोपेलर्स को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है यह प्लेन के साथ साथ बोट में भी इंस्टॉल होता था। साल 1935 के दौरान यूके में बोट्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीके से प्रोपेलर्स को इंस्टॉल किया जाता था जो कि हवा से चलता था। हालांकि यह पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा, यह बहुत ज़्यादा हैवी हुआ करता था जिसकी वजह से अक्सर बोट पलट जाया करती थी, और यही वजह थी कि इन्हें बोट से निकाल दिया गया।